नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। तो ICICI बैंक लिमिटेड की बात करते हैं, स्टॉक प्राइस की बात करते हैं, 714 में है अपने 52 वीक हाई से। इसमें भी गिरावट आई है। इसका जो 52 वीक हाई है 867 है, 25 अक्टूबर 2021 को बनाया था और अभी हाल फिलहाल में 670 के आसपास तक आ गया था। थोड़ी बहुत इसमें तेज़ी आई है, 714 तक स्टॉक प्राइस पहुंचा है। तो Q1 के नतीजों का अपडेट आ गया है। Q1 FY 2023 के नतीजे आएंगे ICICI बैंक के। जो अपडेट आया है 23 जुलाई 2022 को बोर्ड मीटिंग होगी। ICICI बैंक लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 23 जुलाई 2022 टू कंसीडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड जून 2022। तो इम्पोर्टेंट डेट रहेगा 23 जुलाई 2022। ICICI बैंक और जिनके पास ICICI बैंक का स्टॉक है, अब नतीजे आ रहे हैं तो स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी भी आनी चाहिए और Q1 में अच्छा परफॉर्मेंस रहना चाहिए ICICI बैंक का दोस्तों। क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हैं, इंटरेस्ट अर्न बढ़ के आना चाहिए, प्रॉफिट बढ़ के आना चाहिए। अगर प्रावधान कम होता है तो इनका ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए भी कम है तो प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। इस क्वार्टर में मुनाफा भी बढ़ना चाहिए, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी और सालाना भी दोस्तों। तो ICICI बैंक लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है 714 में है और 23 जुलाई 2022 इम्पोर्टेंट डे रहेगा ICICI बैंक के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी। और जैसे कि नतीजे आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत इसमें तेज़ी रहने की संभावना रहेगी स्टॉक में। और एक मजबूत बैंक है, शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न दिया है 2020 से 2021 के बीच। बट ये कि 2022 में एक तरह से काफ़ी उतार चढ़ाव बना हुआ है मार्केट में, आने वाले दिनों में मार्केट में तेज़ी होगी तो ICICI बैंक का स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो 23 जुलाई 2022 को फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा Q1 FY 2023 का और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए नतीजों में, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी, सालाना भी। नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए और जो इनकम है वो भी बढ़ना चाहिए। ICICI बैंक की बात करते हैं तो फंडामेंटली एक तरह से मजबूत बैंक है और Q1 के नतीजे भी अच्छे आने चाहिए। शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं दोस्तों। अब शेयर प्राइस में देखिए, ये स्टॉक में एक तेज़ी बनी है, ऊपर की तरफ स्टॉक गया है और ये लो था इसका 669 का, यहाँ से बढ़कर 713 तक पहुँचा है। एक अच्छी तेज़ी बनी है, ऊपर की तरफ स्टॉक पहुँचा है। तो अब ऊपर का जो हर्डल होगा, इस कैंडल का हर्डल होगा दोस्तों, ये है 728.30। इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो स्टॉक में फिर एक अच्छी तेज़ी बन सकती है ऊपर की तरफ, 740 से 756। ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है। और ये जो गिरावट आई थी जून के महीने में, अगर आप ICICI बैंक को अगर होल्ड करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, तो इस ये जो हाई था इसका 757 का था दोस्तों, 760 तक जाता हुआ देखिएगा। 760 के ऊपर अगर क्लोज होगा तो नेक्स्ट जो लेवल होगा इसका 778 का होगा। और इसके ऊपर अगर क्लोज होता है, मान के चलिए मार्केट में तेज़ी आ गई और मार्केट ऊपर की तरफ ही रहता है, तो 780 से 800 के लेवल तक जाता हुआ दिखेगा। और 780 से 800 के लेवल पर जाता हुआ दिखेगा और उसके बाद इसमें मुनाफा वसूली आती हुई दिख सकती है। फिलहाल इसका जो ये तेज़ी आई है, अगर स्टॉक ऊपर की तरफ ही 700 के ऊपर की तरफ ही रहता है तो 728 को क्रॉस करते हुए 750 तक जाता हुआ दिख सकता है और Q1 के नतीजों तक। और मार्केट में अगर गिरावट बढ़ती है किसी भी कारणवश, तो जैसे कि 713 है, 700 का एक सपोर्ट रहेगा, बट उसके नीचे इसका सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 690 का रहेगा दोस्तों। अगर 690 के नीचे अगर स्लिप होगा तो ये जो लो बनाया था इसने 669 का, यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है। और अगर इसके नीचे स्लिप होता है तो इसका जो नेक्स्ट जो लेवल होगा, क्योंकि देखिए गिरावट भी आ सकती है जिस तरह का मार्केट इस वक्त चल रहा है, बियर मार्केट चल रहा है, तो इससे पहले ये गिरावट आई थी, देखिए ये आई थी 8/3/2022 को, ये स्टॉक आया था लगभग 640-635 तक आया था। तो यहाँ तक आता हुआ देख सकता है और ये एक तरह से पैनिक सेलिंग होगी और तो बाइंग के लिए देखना चाहिए जिनके पास ICICI बैंक लिमिटेड नहीं है और जिन्होंने निवेश किया है 2020 से और 2021 में नीचे के लेवल पे, तो ICICI बैंक को अभी भी होल्ड करना चाहिए। जो हाई बनाया था ऊपर की तरफ का 867 का, इसको भी क्रॉस करता हुआ दिख सकता है, बट ये समय लग सकता है। चार्ट पैटर्न के अनुसार है जो लेवल्स हैं, एक साल का चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं और इसके नतीजे आ रहे हैं 23 जुलाई 2022 को, इम्पोर्टेंट डे रहेगा और नतीजे अच्छे आने चाहिए दोस्तों। और ICICI बैंक और HDFC बैंक ये एक तरह से निवेश वाले स्टॉक हैं,
और जब भी गिरावट होती है तो इनको देखना चाहिए, बट ये कि थोड़ा बहुत समय लग सकता है क्योंकि जिस तरह की अभी मार्केट चल रही है, सिचुएशन है, थोड़ा सुधार होने में समय लग सकता है, जंप आते रहेंगे दोस्तों। तो ये ICICI बैंक का लेटेस्ट अपडेट है। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़े रहने का धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। नए नए वीडियोज देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए धन्यवाद।